भाजपा नेता और पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 57 साल देश में राज किया लेकिन छात्रों को समय से छात्रवृत्ति नहीं मिली। लेकिन अब केंद्र ने तय किया है कि प्रदेश सरकारी छात्रों का पंजीयन करेंगी, उन बच्चों के खाते खोले जाएंगे, उन खातों में समय पर राशि डाली जाएगी। लाल सिंह आर्य ने कहा कि कांग्रेस के समय सिर्फ 1100 करोड़ छात्रवृत्ति में खर्च होते थे, अब 59,000 करोड़ सरकार SC के छात्रों पर खर्च करेगी। आने वाले 5 सालों में 5% राशि बढ़ेगी। अभी तक 60 लाख लोगों तक पहुंचती थी राशि, अब 4 करोड़ लोग लाभ लेंगे। जो बच्चे स्कूल छोड़कर गए हैं उनको वापस लाया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने पोस्ट मैट्रिक बच्चों की चिंता नहीं की और कांग्रेस ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। कक्षा 11वीं से ऊपर वाले बच्चों को छात्रवृत्ति में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है। भाजपा की सरकार छात्रों का पंजीयन कर उनको लाभ देने के साथ बच्चों की गुणवत्ता में विकास करेगी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में एक प्रस्ताव लाए, वो प्रस्ताव था कक्षा 11वीं से ऊपर के जितने विद्यार्थी हैं पोस्ट मैट्रिक के, उनकी छात्रवृत्ति में एक बड़ी वृद्धि करने का प्रस्ताव था। ये एक ऐतिहासिक, एक पारदर्शी कदम जो केंद्र सरकार लाई है, मैं ये जानबूझकर इसलिए कह रहा हूं, आजादी के पहले 1944 में ये छात्रवृत्ति प्रारंभ हुई थी। 57 ईयर देश में कांग्रेस ने राज्य किया, पोस्ट मैट्रिक के बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे थे, बैकड्रॉप क्यों हो रहा था, समय पर छात्रवृत्तियां उनके पास क्यों नहीं पहुंच रही थी, वो असुविधाएं क्या थी, इस पर कोई चिंतन नहीं हुआ, कोई मनन नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस पर अध्ययन किया और तय किया कि देश के हमारे SC के जो बेटे बेटी हैं वो 100% विद्यालय में आए, जो छोड़ गए हैं उनको भी लाने का अभियान चले। और इसलिए आप देखिए कि 1944 से लेकर और अभी कुछ दिनों तक केवल 1100 करोड़ रुपए खर्च होते थे, केवल 1100 करोड़। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अब निर्णय कर लिया है कि आने वाले 5 वर्षों में 59,000 करोड़ पोस्ट मैट्रिक के जो बच्चे हैं उन पर खर्च करने का काम केंद्र की सरकार करेगी। 60% हिस्सा केंद्र सरकार का रहेगा, यानी कि 35,000 करोड़ से अधिक रुपए केंद्र की सरकार करेगी और 40% प्रदेश की सरकारें करेगी। लेकिन आने वाले 5 वर्षों में केंद्र सरकार की राशि में 5% की वृद्धि हर वर्ष होती जाएगी, यानी कि 60% से बढ़ के वो राशि लगभग 75% तक पहुंच जाएगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।